सीएम मनोहर लाल ने करनाल में 270 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक शुगर मिल का उद्घाटन किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौके पर मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री से बात की हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह ने सुनी। करनाल के गन्ना किसानों और सहकारिता के क्षेत्र में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जो है करनाल की शुगर मिल का नवीनीकरण किया है। आज सीएम मनोहर लाल इसका उद्घाटन करेंगे, हमारे साथ सहकारिता मंत्री हैं, उनसे जानेंगे कि क्या फायदा करते हैं इस शुगर मिल का। सबसे पहले तो मैं करनाल आप तो ऊपर कर देता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण जयंती योजना थोड़ा जो करनाल का जो एक्सपेंशन की जो घोषणा की थी उसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। और 3500 कैपेसिटी इसकी बढ़ाई गई है, इससे 5000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और जो किसान हमारा जो गन्ना भार कहीं भेजना पड़ता था, अभी नहीं कराई होगी और उससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। तो क्या गन्ना का क्षेत्र बढ़ेगा जिस तरह से गन्ना में? हाँ, पिछली बार गन्ने का क्षेत्र जो हमारा कुछ 400 था, अब की बार 527 के करीब मतलब लाख क्विंटल गन्ना था, लगा हुआ पिछली बार 466 लाख क्विंटल गन्ना कराई हुई थी, अब की बार 527 लाख क्विंटल गन्ना शायद उत्पादन हो रहा है। बड़ी सौगात है, क्योंकि काफी लंबा समय लगा है पूर्व की सरकारों ने जो है नवीनीकरण की तरफ ध्यान दिया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि काफी लंबा समय लगा है पूर्व की सरकारों ने जो है नवीनीकरण की तरफ ध्यान दिया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे इलाके में देंगे, क्योंकि शुगर मिल की डिमांड एक नए प्लांट की डिमांड 20-25 वर्षों से थी और पूर्व की सभी सरकारों ने इस इलाके को भी इग्नोर किया और गन्ना किसान और किसानों की जो जायज़ डिमांड थी उसको भी इग्नोर किया है। तो निश्चित रूप से नया शुगर मिल बनने से बहुत बड़ा लाभ यहाँ के किसानों को होगा और मैं समझता हूँ कि किसानों की तरक्की में मील का पत्थर ये साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपनी जुबान के धनी हैं और लगातार वो एक विकास के मार्ग पर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और जितनी भी घोषणाएं आज तक मुख्यमंत्री जी ने की हैं वो सभी पूरी हुई हैं। उसी कड़ी में आज ये करनाल की नई शुगर मिल भी लोगों को समर्पित की। सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है फसल विविधीकरण को लेकर, क्या इस दिशा में ये कदम उठाया गया उसके बाद असर पड़ेगा? देखिए, फसल विविधीकरण का विषय बिल्कुल सरकार ने गंभीरता से लिया हुआ है और लोग भी उसका अनुपालन कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको सरकार ने बढ़ावा देने की बात की है, उनको बढ़ावा मिला भी है, क्योंकि सरकार इंसेंटिव भी दे रही है और सरकार की एक दूरदर्शी सोच है कि हमें पानी भी बचाना है, ज़मीन की गुणवत्ता को भी हमने कायम रखना है और अगली पीढ़ी तक की सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं। बिल्कुल, देखिए जो हमारे क्षेत्र के गन्ना किसान हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है आज मिलने जा रही है, सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ जो फसल विविधीकरण के प्रयास है सरकार के वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो है यहाँ का किसान जो है धान और गेहूं की फसल को छोड़कर गन्ने या दूसरी फसल की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ साथ जो पानी बचाने की जो मुहिम है उसको लेकर भी ये अच्छा प्रयास माना जा सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया।